अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और दर दर भटक रहा है। अपने जख्मों को लेकर रोता चीखता चिल्लाता वो आज भी तड़प रहा है और अपने जख्मों के लिए तेल हल्दी मांगता हुआ जंगलों में भटक रहा है। महाभारत का ये शक्तिशाली योद्धा पूरी की पूरी पांडव सेना का अकेले ही संहार कर सकता था। ये योद्धा खुद महादेव के अंश से पैदा हुआ था और इसे महादेव का वरदान मिला हुआ था। फिर आखिर क्यों 5,000 सालों बाद भी आज वो भटक रहा है और क्यों उसका वरदान उसके लिए श्राप बन गया है? आखिर क्यों अश्वत्थामा जिंदा है और मौत से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जी रहा है? आखिर ऐसा क्या गलती हुआ अश्वत्थामा से जो श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि तक निकाल ली? और आखिर श्री कृष्ण ने उस मणि को कहाँ छुपा दिया? ये सब बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। महाभारत का एक ऐसा अहम किरदार था जिसे चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ था, लेकिन वो आज भी श्रापित जिंदगी जी रहा है। उसके अमर होने का वरदान उसके जिंदगी के लिए कलंक बन गया और उसे मृत्यु से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर गया। हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के सबसे ताकतवर योद्धा अश्वत्थामा की। वही अश्वत्थामा जो कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और कृष्णाचार्य के भांजे थे। आपको बता दें कि अश्वत्थामा का जन्म महादेव के अवतार से हुआ था। अश्वत्थामा का माँ कृपाचार्य की बहन प्रीति थी और उनका जन्म आज के समय में मौजूद टपकेश्वर महादेव मंदिर में हुआ था, जो देहरादून के उत्तराखंड में मौजूद है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके माथे पर एक नील रंग की मणि लगी हुई थी और उन्हें महादेव का वरदान मिला हुआ था कि वो सदैव चिरंजीवी रहेंगे। उनका नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उनके रोने की आवाज बिल्कुल घोड़े की रोने की आवाज की तरह थी। आपको बता दें कि अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके माथे पर जो मणि थी उसमें इतनी शक्ति थी, खुद मनुष्य, देवता, यक्ष, नाग, गांधर्व और किन्नर उन्हें हरा नहीं सकते थे। इस मणि के मदद से अश्वत्थामा को शक्ति मिलती थी और उन्हें भूख, प्यास और थकान भी महसूस नहीं होता था। कहा जाता था कि अश्वत्थामा जब छोटे थे तो उनके परिवार उनके दूध का खर्च भी नहीं उठा सकता था, इसलिए उनके पिता द्रोणाचार्य पांचाल के राजा द्रौपद के पास मदद मांगने गए, लेकिन राजा द्रौपद ने उन्हें अपमान करके अपने राज्य से निकाल दिया। तभी उनकी पत्नी के भाई कृपाचार्य ने उन्हें हस्तिनापुर बुलाया और तभी से वो कौरव और पांडव के गुरु बन गए। जब गुरु बनने के बाद गुरु दक्षिणा देने का मौका आया तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में द्रौपद की हार मांगी। पांडवों ने राजा द्रुपद को हराकर द्रोणाचार्य के सामने पेश किया और द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को पांचाल देश का राजा बना दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी शक्तियाँ और महादेव के आशीर्वाद से पैदा होने के बाद आखिर उनसे ऐसी क्या गलतियाँ हुई जो उन्हें संसार के आखिरी दिन तक दर बदर भटकने का श्राप मिला? तो आपको बता दे कि अश्वत्थामा की पहली गलती थी कि उनके सामने एक स्त्री का अपमान हुआ और फिर भी वो मौन रहे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने द्रौपदी की एक पुकार भी नहीं सुनी, जबकि वो द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और एक स्त्री और अपने बहन का चीरहरण होते हुए अपनी आंखों से देखा और उसका समर्थन भी किया, जिस पाप का सजा उन्हें मिलना ही था। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में अगर अश्वत्थामा की भूमिका की बात की जाए और उनकी गलतियों को देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरव के साथ युद्ध में शामिल थे। जब द्रोणाचार्य कौरव की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे तो अश्वत्थामा ने भी उनका साथ दिया। इस बात में तो कोई भी संदेह नहीं कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु का पुत्र वास्तव में कितना शक्तिशाली होगा। द्रोणाचार्य की तरह अश्वत्थामा भी अस्त्र शस्त्र के विद्याओं में निपुण था और उसके अलावा अश्वत्थामा के पास उसके माथे पर लगी हुई नीलमणि भी थी, जिसकी वजह से उसे संसार में कोई भी हरा नहीं सकता था। इसलिए अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में साम, दाम, दंड भेद सभी को अपनाया और क्रूरता के साथ पांडवों की सेना का वध किया। अश्वत्थामा ने भीम के पोते घटोत्कच के बेटे अंजन प्रभा को युद्ध में मार दिया। उसके अलावा ध्रुपद कुमार शंत्रुजया बालानेक जयश्रव श्रुताहु का वध भी अश्वत्थामा ने किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की जोड़ी ने मिलकर पांडवों की पूरी सेना को तितर बितर कर दिया था और ये देखकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए कि अगर ये दोनों पिता पुत्र जीवित रहे तो पांडव की हार तो तय है। अब क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों को हारने नहीं देना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने युद्ध के अंतिम चरण में भीम के हाथ से कुरुक्षेत्र के मैदान में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया और पूरी शिविर में ये बात फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया। जब द्रोणाचार्य के कान तक अश्वत्थामा के मरने की खबर पहुंची, तब वो युधिष्ठिर के पास सच्चाई जानने के लिए पहुंचे। अब क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे और उनसे झूठ नहीं बोला जाता था, इसलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक ऐसा तरीका बताया जिसने ना तो उनकी सच्चाई पर आंच आएगी और ना ही पांडवों को कुरुक्षेत्र के मैदान में हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मौत का सच पूछा, तो युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथी का नाम लिया, वैसे ही श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और युधिष्ठिर की आवाज शंख की आवाज से दब गई और द्रोणाचार्य को आधा सच ही पता चला। इसी वजह से उन्होंने दुखी होकर अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिए और मौका पाकर श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करवा दिया। फिर जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि श्री कृष्ण और पांडव ने छल से उसके पिता को मार दिया है और पांडव विजय हो चुका है, तो उसके क्रोध का सीमा ना रहा और फिर उसने पांचों पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। जबकि युद्ध का नियम था कि शाम के बाद कोई भी शस्त्र नहीं चलाएगा, लेकिन महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने अपने छल से मारे गए अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध पांडवों से लेने के लिए उनके शिविर में जा पहुंचे। पांडवों के पांचों पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए। साथ ही पांडवों के बचे हुए योद्धा जैसे शिखंडी, धृष्टद्युम्न को भी कृपाचार्य और कृतवर्मा की मदद से मार डाला। पुत्र शोक में जब पांडव ने श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया तो वो भाग गए। इसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के मध्यम घोर संग्राम शुरू हो गया। फिर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिए। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेदव्यास और नारद जी के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। अश्वत्थामा के इस कुकर्म को देखकर श्री कृष्ण के क्रोध का सीमा ना रहा और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर अश्वत्थामा के माथे के मणि निकाल लिया, जिससे अश्वत्थामा की सारी शक्ति और वीरता खत्म हो गई और उसके ब्रह्मास्त्र भी असफल हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर घूमते रहोगे, तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे घाव से रक्त और पीप बहेगा और दुर्गंध आती रहेगी। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा के मणि को लेकर पांडवों को दे दिया और पांडव ने इस मणि को द्रौपदी को दिया। श्री कृष्ण के उसी श्राप की वजह से आज भी अश्वत्थामा जगह जगह भटकता फिरता है। आज भी वो कलियुग में कहीं ना कहीं जिंदा है और जंगलों में भटक रहा है। उसके चिरंजीवी होने का वरदान ही उसके लिए श्राप बन चुका है और कई गाँव के लोगों ने इस बात को भी बताया है कि अंधेरे के समय एक इंसान उनके पास आता है और अपने घाव में लगाने के लिए उनसे हल्दी तेल मांगता है। उसके शरीर से बदबू आ रही होती है और अचानक से बिजली की तरह आता है और गायब भी हो जाता है। हो ना हो, ये अश्वत्थामा है जो अपने किए की सजा अब तक भुगत रहा है और कलियुग के आखिरी दिन तक उसे ये भुगतना ही है। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा से जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं अश्वत्थामा से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।